आराधिता ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। हम भी बहुत ही अच्छे हैं। अभी हस्बैंड तो चले गए हैं, अभी माँ और बेटी हम दोनों ही हैं। ओ और भी बहुत सारे लोग हैं, भगवान जी है, आप लोगों को भरा पूरा परिवार है। अभी तक ब्रेकफास्ट मैंने नहीं बनाया है, तो चलिए ब्रेकफास्ट बनाते हैं। सोच रहे हैं रोटी और सब्जी टाइप का ही कुछ बना लेंगे, तो देखते हैं जो भी बनाएंगे आप लोगों के साथ शेयर तो हम जरूर करेंगे। आइए दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैंने बैंगन, पम्पकिन, पीस और दो हरी मिर्च लिया है। अभी सुबह का ब्रेकफास्ट इसी से ही बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, बेटी के लिए ब्रेकफास्ट रेडी हो गई है। आप लोग देख लो, रोटी साथ में सब्जी। अभी ब्रेकफास्ट कंप्लीट हो गई है फ्रेंड्स, मैं फिर से किचन में आ गई हूँ। आप लोग देख ही सकते हो, अभी बेटी बोल रही है चिकन खाएगी, तो मैं सोच रही हूँ चिकन का जो हम बंगाली लोग ना पतला झोल कहते हैं उसको, ग्रेवी थोड़ा पतला टाइप का होता है और आलू से बना हुआ होता है, वो खाने में अच्छा ही लगता है। और बच्चे लोग क्या, हम बड़े लोगों को भी अच्छा लगता है, बहुत ही टेस्टी होता है, तो वही बनाएंगे। तो चलिए जो भी बनाएंगे आप लोगों के साथ शेयर तो हम जरूर करेंगे। फ्रेंड्स, मैं चिकन बनाऊंगी और इसके लिए मसाले रेडी कर रहे हैं। वहाँ पर है आलू और इसको अभी अच्छे से धोएंगे, फिर मिक्सी में ग्राइंड करेंगे और आलू को भी धोना है फ्रेंड्स, और फिर इसको फ्राई करेंगे और चिकन में ऐड करेंगे। तो चलिए सब कुछ ही आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, चिकन को बहुत अच्छे से धो लेते हैं। देखिए कितना फ्रेश है चिकन, देखिए फ्रेंड्स कितना फ्रेश चिकन है। मसाले के साथ मिक्स करेंगे फ्रेंड्स और चिकन भी ऐड कर देंगे। चलिए दिखाते हैं। জল গরম হয়ে গেছে, স্নান করতে যা। अभी भी बहुत सारा काम बाकी है फ्रेंड्स। मैंने घर साफ कर लिया है, देखिए घर साफ हो गया है, डाइनिंग टेबल भी साफ हो गई है, लगभग आधा से भी ज़्यादा काम हो गया है। मगर कपड़े अभी तक सुखाने के लिए नहीं दिया है, तो अकेले अकेले हाथ माने हाथ में पकड़ कर करना पड़ता है। तो चलिए कपड़े सुखाने देते हैं, फिर आप लोगों के साथ छत पर ही बातें करेंगे। पर देखिए फ्रेंड्स, दाना चुगने आए हैं और मैं आप लोगों को बता रही हूँ, वो समझ चुके हैं मगर फिर भी देखिए दाना चुग रहे हैं। देखिए यहाँ पर चावल मेरी बेटी देती है और ये लोग आते हैं। छत पर आए हैं, अभी अभी देख रही थी तो तभी मैंने सोचा आप लोगों को भी थोड़ा जूम करके दिखाए, क्योंकि अगर उसके सामने गए, अरे बाप रे, मुझसे इतना डरते हैं क्या बताए। और यहाँ पर इतना धूप है फ्रेंड्स, अच्छे से ना आँख नहीं खोल पाओगे, मैं तो नहीं खोल पाती हूँ, और बहुत ज़्यादा धूप है। अभी गर्मी पड़ने ही वाले है, जैसे ही वो उसको क्या कहते हैं, कभी कभी ना भूल जाते हैं, दिमाग ना ख़त्म हो गया है, दिमाग नाम का कुछ है कि नहीं, मैं कभी कभी सोचती हूँ, अरे होली आ रहा है ना, तो होली के बाद ही तो ठंड चले जाएगी। और इतना गर्मी पड़ता है यहाँ पर, आप लोग सोच नहीं सकते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। और मुझे ना टैन की बहुत प्रॉब्लम है, और धूप से निकलने से ही ना स्किन इतना जल जाता है, आप सोच नहीं सकते हो। क्या कर सकते हैं अभी, चलिए विंटर का मज़ा लिया, अभी समर का मज़ा लेंगे और क्या। मेरी मिर्ची के पौधे पर ना बहुत सारे मिर्ची लगे हैं, तो चलिए आप लोगों को भी दिखाते हैं। आइए
यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स कितने सारे मिर्ची है, देखिए तोड़ लेते हैं। देखिए ढेर सारे मिर्ची, और मिर्ची पक गए हैं। अभी बर्ड्स आते हैं ना, मिर्ची भी खाते हैं, क्या बताएं आपको। यहाँ पर टमाटर भी हुआ था, टमाटर भी खाते थे और मिर्ची भी खाएंगे। देखिए उठा लेते हैं, नहीं तो ये सारे मिर्ची खा लेगी। और खाने में भी बहुत ही टेस्टी, बहुत ही टेस्टी है। जैसे बहुत ज़्यादा तीखा है, तीखा लगता है और मुझे बहुत पसंद भी है। देखिए उठा लेते हैं, अरे बाप रे, एक हाथ से ना कैमरा पकड़ कर वीडियो करना बहुत ही टफ हो जाती है। देखिए हाथ से गिर भी गया, यहाँ पर भी एक गिर गया। देखिए दिखाते हैं कितने सारे, देखिए और एक गिर गया। ओह यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, किरे एखनो स्नान करते गेली ना। देखिए मेरा कुकिंग कंप्लीट हो गया है, कपड़े सूख गए हैं, घर साफ करना हो गया है, मगर अभी तक बेटी नहाने नहीं गया। गर्म पानी भी करना हो गया है, फिर भी वो नहाने अभी तक नहीं गई है। वापस देखिए, और क्या बताए फ्रेंड्स, बहुत भूख भी लगी है। पता है आज हमने आमला हस्बैंड को बोला था आमला लाने के लिए, और आप लोग तो जानते ही हो हम लोग हैं। गामछा आई तो दारा, तो आज हम क्या आमले की चटनी बनाए, और वही चटनी कुकिंग चैनल पर भी शेयर किया है। तो आमले की चटनी ना सच में बहुत ही टेस्टी हुआ है। नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक दे दूंगी, अगर आप लोगों का मन चाहे देखने के लिए आप लोग देख सकते हो। वैसे भी आमला हम लोगों के बॉडी के लिए बहुत ही गुणकारी होता है, गुणों का भंडार होता है आमला, आप लोग तो जानते ही हो। खाने में भी बहुत ही टेस्टी हुआ है फ्रेंड्स, तो चलिए थोड़ा खाते हैं। जब भी मैं बनाई ना, तब मैंने तो एक बार टेस्ट किया था, और टेस्ट भी कैसे किया था, थोड़ा सा ही टेस्ट किया था, जैसे ठीक ठाक है कि नहीं, क्योंकि मैं चैनल पर छोड़ने वाली हूँ, और छोड़ने वाली हूँ क्या, वो तो मैं चैनल पर छोड़ूंगी इसी वजह से। और अभी ना मुझे ना आप लोग देख के समझ ही सकते हो, मुझे ना अभी मन कर रहा है थोड़ा सा आमले की चटनी खाए, तो चलिए आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं और दिखाते हैं। थोड़ा सा ही लेंगे फ्रेंड्स, और इसको ढककर रख देंगे और आप लोगों के सामने खाएंगे। स्पून में थोड़ा लगा हुआ है, इसको खा लेते पहले। हाँ आइए फ्रेंड्स, एक बार आइए, एक बार चखिए। क्या होता है, कोई शब्द नहीं है। हो सके तो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करके रेसिपी मैंने टोटली शेयर किया है, और बहुत ही इजी प्रोसेस के साथ मैंने बनाया है। एक बार बना के खाइए फ्रेंड्स, हस्बैंड को खिलाइए, और जितना पैसा डिमांड करना है कर लीजिए, पूरा दे देगा सच में। एक बार बना के खाइए। बाजार में जैम मिलता है, चटनी मिलता है, कितना कॉस्टली लेता है, उससे लाख गुना अच्छा, 100% प्योर और लाख गुना टेस्टी होता है ये घर पर बनाने से। देखिए फ्रेंड्स, आप लोग खुद ही देखिए, समझ आ जाएगा। तो हैंड वॉश कर रहे थे फ्रेंड्स, हाय क्या बताए,
चटनी खाके ना मन प्रसन्न हो गया। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं, आज चिकन बनाया, दिखाया आप लोगों को, और रेडी होने के बाद कैसा लगता है वो भी दिखाते हैं। आइए दिखाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स कैसी बनी है चिकन, देख लीजिए। हम बंगाली लोग बोलते हैं आलू दिए मांसेर पतला झोल। यहाँ पर देखिए गर्मा गर्म राइस, क्या बताएं फ्रेंड्स, आज ना खाने में मजा ही आ जाएगा। अभी हस्बैंड ना ये वीडियो देखते हैं और मन ही मन तो गुस्सा तो करेंगे। मैंने उनको ना मसाला दे दिया है, घर पर बनाती हूँ मैं मसाला, वही मसाला देती हूँ, क्योंकि वो जब चिकन बनाते हैं ना तो चिकन मसाला डालते हैं चिकन पे और अच्छा नहीं बनता है, वही बोल रहे थे जब आए थे। तो मैंने अलग से घर में जो मसाला बनाती हूँ, जो चिकन में डालती हूँ एक्चुअली, तो वही मसाला दे दिया है और उसको बताएंगे फिर से जे आप फिर से चिकन लाओ, फिर से बना के खाओ। और क्या, यहाँ पर देखिए इसके अंदर है गेहूँ, देखिए थोड़ा धूप में देते हैं, अभी यहाँ पर से धूप चला गया है, यहाँ पर दे दिया है, थोड़ा धूप लग जाए और फिर जब हस्बैंड आएंगे ना तब इसको पिसवा के लाएंगे। और प्योर गेहूँ का जो आटा है उससे रोटी बना के खाएंगे। ये ना मेरी मम्मी ने भेजा है, और जिस दिन से भेजा है एक दिन छोड़ छोड़ के ही मैं धूप में देती हूँ इनको, जैसे ये ख़राब नहीं हो। तो चलिए घर के अंदर चलते हैं। अभी भी ढेर सारा काम बाकी है फ्रेंड्स, क्या बताएं, अभी बेटी जैसे ही नहा के आएगी उसको खाना देना है, मैं भी खाऊंगी। हाँ, और फिर छत पर जब हम गए थे आप लोगों को दिखाया, जैसे कपड़े सूख गए हैं वो भी लाना पड़ेगा, फिर फोल्ड करना पड़ेगा, फिर अलमारी के अंदर अच्छे से रखना पड़ेगा। ढेर सारा काम है, आप लोगों के साथ मैं डेली शेयर करती हूँ। अगर आप लोगों के मन में थोड़ा सा भी इमोशन बचा है तो मुझे मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। सो फ्रेंड्स अगर अच्छा लगे मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर भी करें। तो चलिए फ्रेंड्स और क्या बताएं आज आप लोगों को, थोड़ा मन ना थोड़ा आज दुखी दुखी है, जैसे होता है ना हस्बैंड चले गए हैं, थोड़ा मन खोल के आप लोगों के साथ बातें करते हैं तो इसलिए आप लोगों को बता दिया। देखिए फ्रेंड्स मेरी बेटी नहाकर आ गई है, अभी उसको खाना देना है, नहीं तो गुस्सा करेगी मुझ पर, है ना बाबा, इतनी की माथा फूल जुड़ी, सर पर फूल जुड़ी, देखा है आप लोगों ने कभी फूल जुड़ी। अच्छा चूल्हा चिखा दिए भालू को। तो चलिए फ्रेंड्स बेटी को खाना देते हैं और वो भी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, फिर उसके बाद हम ब्लॉग को एंड कर देंगे। चलिए फ्रेंड्स राइस सर्व करना हो गया है, अभी चिकन की बारी है, आइए दिखाते हैं। आज तो खाने में बहुत ही मजा आने वाला है, देखिए